नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BW कैंपस में। FCI यानी भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी द्वितीय के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन वैकेंसी आ गई है। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। आवेदन जो है वो 28/9/2019 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 27/10/2019, यानी 27 अक्टूबर 2019 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए इसके लिए हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो सामान्य और OBC के उम्मीदवारों के लिए ₹800 देय होगा। वहीं SC ST और PH के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। किसी भी श्रेणी की अगर महिला कैंडिडेट हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। आप जो है परीक्षा शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। अगर इस परीक्षा के लिए आयु सीमा की बात करें तो जो प्रबंधक की पद आई है हिंदी में, उसके लिए अधिकतम आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और बाकी अन्य जो पद हैं उसके लिए आपकी उम्र जो है वो 28 वर्ष इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार के कुछ नियम हैं जिसके तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में कुछ छूट दी जाती है। चलिए हम आपको पूरा विवरण दे देते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है। तो जो पूर्व में 37 पोस्ट आई है, उत्तर में 187 पोस्ट है, पश्चिम में 15 पोस्ट है, दक्षिण में 65 पोस्ट हैं, वहीं ईशान कोण में 26 पोस्ट हैं। जो प्रबंधक की पोस्ट आई है सामान्य की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या है, न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है। अगर प्रबंधक लेखा की बात करते हैं तो कंपनी का सचिव CA या CS की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रबंधक तकनीक की बात करें तो आपको BSc कृषि या BE या फिर BTEC AG, खाद्य संस्करण, जैव रसायन विज्ञान या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करते हैं प्रबंधक जो सिविल इंजीनियरिंग की हैं, उसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में BE या BTEC की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रबंधक जो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE या फिर BTEC की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। अगर प्रबंधक हिंदी की बात करते हैं तो वहीं आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में अंग्रेजी के साथ एक विषय के रूप में डिग्री स्तर पर या फिर मास्टर स्तर पर अंग्रेजी में हिंदी के साथ एक विषय के रूप में आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ लिंक दिया है, वहाँ से अधिसूचना डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल BW कैंपस से। धन्यवाद। Never give up! We'll be right back.